गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विनय मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो लेक्चर क्लास टेंथ के लिए है। आज मैं आपको पद्य खंड का एक नवीन पार्ट उत्साह और अट नहीं रही है, ये दो कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के द्वारा लिखी गई है के बारे में व्याख्या करूँगा। विगत वीडियो में जयशंकर प्रसाद की व्याख्या आपको की गई है। यह बोर्ड के सिलेबस में केवल पढ़ाने के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करना है। आगे यदि बोर्ड के टाइम टेबल और उसके सिलेबस में कोई परिवर्तन होता है तो मैं इसको आपको सेंड कर दूँगा। थोड़ा से कविता को प्रारंभ करने से पहले आइए सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवियों के प्रमुख स्तंभकार के रूप में जाने जाते हैं। आपके हिंदी साहित्य में छायावाद का तात्पर्य होता है कि अपनी बातों को प्रकृति के उपमानों, प्रतीकों, बिंबों, इमेजेस के द्वारा जो पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे छायावाद कहते हैं। छाया का मतलब ये होता है इमेज, ऑब्जेक्ट के बिना छाया अर्थात इमेज की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात जिन बातों को कवि कहना चाहता है उसको प्रकृति के ही उदाहरणों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उत्साह में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल को अपने प्रसंग में रखा है, कविता का माध्यम बनाया है। इस पूरी कविता में उन्होंने बादल को एक क्रांति की चेतना का भी संकेत के रूप में प्रमाणित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनेक रचनाएं जैसे परमिल और राम की शक्ति पूजा काफ़ी प्रसिद्ध हुई और काफ़ी लोकप्रिय हुई, हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। आइए अब आपके पाठ्यक्रम में जो उत्साह नामक कविता रखी गई है उसके बारे में मैं आपको व्याख्या करता हूँ, जो इस प्रकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघुराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादल का तात्पर्य क्लाउड, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं। घेर घेर का तात्पर्य होता है चारों तरफ से उसे घेरना, चारों तरफ से उसे संकुचित करना। गगन का मतलब आकाश होता है, धाराधर का मतलब बादल से है, ललित ललित का मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले रंग में काला हो और स्वरूप में उस वह घुंघराले बालों के समान हो, बाल कल्पना जैसे बालक के मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं प्रस्फुटित होती हैं उसे बाल कल्पना का रूप दिया है। विद्युत का तात्पर्य होता है बिजली, छवि का तात्पर्य होता है उसकी सुंदरता, उसका स्वरूप, उर का तात्पर्य होता है हृदय, नवजीवन का तात्पर्य होता है नवीन जीवन प्रदान करने वाला, वज्र का तात्पर्य होता है कठोर, छिपा का मतलब होता है छिपा हुआ हिडन, और नूतन का मतलब होता है नया। अर्थात अब शब्द अर्थों के माध्यम से इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रारंभिक पांच पंक्तियों के छंदों के माध्यम से कवि आपके सामने जो सामान्य अर्थ प्रकट करता है मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। कवि कहता है कि ऐ बादल, तुम चारों तरफ से आकाश में घिर जाओ और इतनी वृष्टि करो कि चारों तरफ जलमग्न हो जाए। उस बादल के स्वरूप का वर्णन आगे करते हुए बताता है कि जैसे बच्चों के हृदय में नवीन कल्पनाएं प्रसारित होती हैं, ऐसे ही तुम भी नवीन कल्पनाओं से युक्त होकर के काले काले और घुंघराले स्वरूपों में आसमान में छा जाओ। इतना ही नहीं, तुम्हारे हृदय में जो बिजली छिपी हुई है जब वो दिखाई देती है तो वह मानो कवि के जीवन में, कविता में एक नया जीवन, नया उत्साह, नया उमंग प्रदान करने वाली है। यहाँ पर जो बादल है उसको कवि ने क्रांति का स्वरूप बताया है, क्रांति का प्रतीक बताया है,
इसी प्रतीक और स्वरूप को ही छायावाद कहते हैं। चूँकि कवि जिस समय इसकी रचना कर रहा है, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के शासन से प्रताड़ित था, उनके शोषण अत्याचार अनीत और करों के भार से किसान गरीब दलित कामगार सारे लोग दुखी थे। ऐसे में कवि कहता है कि ऐ क्रांति रूपी बादल, तुम भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के आकाश में छा जाओ और बिजली के रूप में बन करके लोगों के अंदर वह चेतना प्रसारित करो कि यह मजदूर किसान शोषित संपूर्ण लोग एकत्रित होकर के एक साथ इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके साम्राज्य को ध्वस्त कर सकें और फिर से लोगों के जीवन में एक नवीन चेतना, नया संसार, नई रचना का सृजन करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसी के स्वरूप का वर्णन बादल के रूप में कवि व्यक्त करता है। धन्यवाद।